अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दिस इज़ डॉक्टर सुहेब अहमद और आई एम हेयर इन कमालिया टू विजिट अ गोट फार्म। एक छोटा सा क्यूट सा गोट फार्म है ये। 80 एनिमल्स हैं यहाँ पे और आज हम इन एनिमल्स का इसकी वैसे जनरल चेकअप के लिए यहाँ पे एक फार्म टूर है। ओह माय गॉड, और इससे मिले। और ये पूरे पाकिस्तान से अली भाई ने यहाँ पे ये ब्रीड्स जमा की हैं, बहुत शौक है उन्हें। और आज हम इसका प्रॉपर एक टूर करेंगे और थोड़ी सी इंस्पेक्शन करेंगे यहाँ पे गोट्स की। और माशाल्लाह ये वाला ब्रीडर चेक करें, इसकी 41 इंच हाइट है। कल भी एक ब्रीडर हम लोगों ने यहाँ चेक किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गया। 45 इंच उसकी हाइट थी। और ये है वो दूसरे वाला बकरा जो एक्सपायर हो गया था। एक्चुअली इसको इंटरनल पैरासाइट्स का इशू था और इसमें आई थिंक RBCs की कोई ब्रेकडाउन की वजह से कुछ इसे बॉडी पैरालिसिस हो गया था। तो अभी हम इसके सेकंड ओपिनियन के लिए जा रहे थे, लेकिन पीछे से कॉल आई कि ये एक्सपायर हो गया। सो अभी हम बाकी सारे फॉर्म पर आपको टूर देते हैं। तो लेट्स कम विद अस। पढ़ा नहीं हुआ अभी। स्पेस बकरी है। देखो ना माशाल्लाह सेहतमंद किन्ने हैं। मैं क्या देसी चले गए। वो मेरे ख्याल वो कल वाले हैं ना दो। हाँ वो कल वाले जो कल हुए हैं। आप खड़े हैं वो नजर आ रहे हैं। बकरे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम कैसे करे, तुम कह के आते कि बकरी नहीं अच्छी है ना, बकरी जैसे बच्चे सब तो ठीक थी। DDP है, अच्छी है सर। DDP और ये देसी मिक्स हो गया ना। हाँ जी, गुजरी नस्ल हो गई। गुजरी बन गई। ये उसी ब्रीडर के साथ थे क्रॉस है अली भाई। ये उसी बकरे के साथ थे वो जो था ब्रीडर, उसके साथ क्रॉस थे ना ये बड़े। तो क्रॉस हुई थी कि ना ये मर गया। एक तो उनका नाम आता है बेचारे। दिस इज द गोट फार्म हियर। ये वाली ब्रीड चेक कर जरा। हेलो, अरे भाई ये डॉग बंदा हुआ है। वाओ, लुक एट दिस। किसका? इसको क्रॉस किया था लेमूचर के साथ, GDP के साथ। एज 6-6 माह। ये 7-7 माह, वो 5-5 माह।
ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਬੱਚੇ दूध पीने के चक्कर में ये है शेरा, इसे शेरा प्रिंट कहते हैं, शेरा प्रिंट कहते हैं, ये है झांकी ब्रीड। अच्छा, झांकी ब्रीड इसे शेरा प्रिंट कहते हैं। ठीक है, जो सेब ये है ये वाली है, ये वाला डबल डबल है, डबल ये ब्राउन वाला, जैसे ये चार पांच जानवर है, ये आप नजर आए, ये के भी कान अच्छे लंबे हैं, दो ये पांच जानवर है, इन्हें कहते हैं पटेरी ब्रीड, पटेरी ये भी सिंध की है, कान देखे कितने लंबे, ये सिंध की ब्रीड है, ये पांच जानवर खड़े नजर आए, एक ये दूसरा ये तीसरा चौथा। अच्छा एक और ब्रीड आपको दिखाता हूँ, इधर होगा ये वाली इसे कहते हैं कमोरी, भी सिंध की ब्रीड है कमोरी, ओके, इसके भी कान देखे, ठीक है। अच्छा वो जो आपको देखे ना कि वो जो वाइट है जी, इसे कहते हैं इधर गुलाबी ब्रीड, वो जिसके वो वाइट वाला है, कहाँ देखे जिसको दो फुट के करीब करीब के, हाँ नुकरी, जिसे नुकरी भी बोलते हैं, हाँ अगर हाँ किसी के सेम होते हैं किसी के नहीं होते, ये गुलाबी है, ठीक। जो बाकी है बाकी मिक्स है, ये वाली भी ऐसे ही, हाँ इसको हाँ ये झांकी ब्रीड है, वही वाली उसी का कोई कलर लगा, ये उसी का प्रिंट, वो एक ब्राउन प्रिंट है, ये ब्लैक प्रिंट है, सही, इसे शेरा प्रिंट कहते हैं। वो वाले जो हैं ये कितने कितने एज वाले हैं, ये वाले ये होंगे सारे कोई पाँच पाँच महीने के, उसमें वो है वो देखे ना ये है, ये डीडी पी ना, ये वाला ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल प्योर सा, ये प्योर है, हाँ ये प्योर डीडीपी है, इसे डेरा भीम का भी कहते हैं, नमूचर भी कहते हैं, इसे हम टाइगर कहते हैं, इसकी शक्ल देखें टाइगर देखें, टाइगर ये वो जो आपको पसंद है टपरी, उसकी बच्चे टपरी ये, अच्छा अच्छा वो वाली वो जो उधर देखी, हाँ हाँ एक ये, हाँ एक इधर ये खड़ा, वो खड़ा ये बकरा, सही ये भी शारदे करते हैं इसलिए लग रहा है, बाकी इन्हीं के पीछे पीछे लगा, वो एक प्रेग्नेंट है मेरे ख्याल में, उसे मक्खी चीना नस्ल कहते हैं, हाँ वो तो मक्खी चीना। अच्छा मैं आपको दीदी देखा ना, आपको मेल दिखाता हूँ, बड़ा फर्क, इधर ही है, सॉरी ये खड़ा होगा, इसके बाल बहुत होते हैं, ये वाला ये भी मेरा, इसे आप ऐसे ही रखें ब्रीडर बना दें, अच्छा बनेगा, इसकी एज होगी कोई पांच महीने के करीब, हाँ सेबी देखिए इसको गौर से देखें, इसकी जो कि पांच महीने के करीब, कान देखिए, टोटल 80 के करीब है ना ये, बच्चे डाल के 80 प्लस, हाँ तो बच्चे भी आपके सारे, वो काफी सारी लोट होगी यार, 12 हो गए, 12 हो बाहर बांध लिया कर, यहाँ कोई नहीं आ सकता, अच्छा अच्छा यहाँ जिनको पता जब खोल देते हैं, हाँ। यहाँ कोई नहीं आ सकता, सही बकरियों को ना कुछ बोल रहे मारा था एक दिन इसको, यहाँ इसको यहाँ देखे, यहाँ काटा लगा, यहाँ देखे ना, यहाँ से इसको देखे बाल उतरे हुए, इसने चेक मार दिया था, देखो कितनी 41 है ना इसकी हाइट, वो एनिमल्स बहुत प्यारे हैं, कौन से ये उधर वाले जो, वो ये बकरी है ना, ये वो ये वैसे ही बकरी, हाँ
वो देखें, हाँ वो कल भी मेरी नजर से गुजरा था, वो वाला ना, वो ही जो आप कह रहे थे ना, वो तो 1.5 फुट का कान, देखें उसका नुकरी। अभी कितनी एज होगी इसकी? अभी तो छोटा होगा ये, होगा वो 8-1 महीने का, 8-1 महीने का है ना, यानी कुर्बानी पे होगा दोनों। हाँ बहुत ज्यादा। ब्रीडर निकाल लेना अभी आपने बाहर, सही। सो गाइस बस सब ये टूर हमारा एंड हो चुका है। एक्चुअली हम कुमाली आया हुआ था तो सोचा ये फॉर्म जरूर विजिट कर लूँ, और बस अभी हम घर जाएंगे। और आप लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, गोट से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना है। और इसके अलावा कुर्बानी के लिए भी आपको यहाँ से बकरे मिल जाएंगे, हम इसका नंबर या इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट अस, इंशाल्लाह अच्छी चीज़ मिलेगी आपको यहाँ से। और बस इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर रहे हैं, और अपनी दुआ में हमें याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।